कोविड की दूसरी लहर जो है किस प्रकार से फैल रही है इसका अंदाज़ा सबको है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर इस वक्त टेस्टिंग के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ 1500 से 2000 की टेस्टिंग पर डे की एवरेज है, ना कोई संडे है ना कोई होलीडे है। यहाँ पर जो टेस्ट लैब है उसके अधिकांश लोग पहले कोविड पॉजिटिव होकर ठीक भी हो चुके हैं, चाहे वो लैब इंचार्ज हों, डॉक्टर नीरज हों या उनकी टीम हो। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर लगभग 25 से 30% लोग जितने टेस्ट प्रतिदिन होते हैं पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए 2000 सैंपलिंग अगर किस दिन होती है तो 500 के करीब पेशेंट जो है वो पॉजिटिव निकलने की सूचनाएं हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जैसा कि सिविल सर्जन कार्यालय से पता लगा, और यहाँ पर निगाह जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की विशेष रूप से रहती है, क्योंकि पंचकुला जो है मिनी राजधानी हरियाणा की कहा जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ ये टेस्ट करवाने के लिए लोग आए हुए हैं, और इस वक्त कोविड 19 का जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग है वो यहाँ पर करने के लिए प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। सुबह से शाम तक यहाँ लाइनें लगती हैं, कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं वो भी ठीक होने के बाद यहाँ आते हैं अपनी सैंपलिंग करवाने के लिए, और इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ पर अपनी सैंपलिंग करवाने के लिए आते हैं, जिनको कोई भी डाउट होता है, कोई भी शक होता है। कोविड 19 को लेकर जहाँ गाइडलाइंस सरकार के द्वारा सख्त की जा रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि शाम को 6 बजे के बाद जो जितने कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है वो SDM कार्यालय द्वारा दी जा रही है, और इसके साथ साथ ये भी बताना यहाँ अनिवार्य है कि वहाँ पर सीमित संख्या निर्धारित कर दी गई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।